हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके और स्टॉक मार्केट में हम लोग कैसे मतलब करोड़पति बन सकते हैं। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर आप पर आवर अगर आप 1 रुपीस अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट पे, और देखिए मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बताऊंगा कि आपको बैंक अकाउंट में रखने से और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से कितना आपको डिफरेंस आता है आपके पैसे में। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊंगा और यहाँ पे फॉर्मूला लगा के और हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में और बैंक में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने जो भी अपना फंड है उसको। अगर हम लोग बैंक अकाउंट में अगर उसको पार्क करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में हम लोग रखते हैं तो उससे क्या डिफरेंस आता है, मैं इस वीडियो में ये आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, अगर हम लोग पर आवर अगर हम लोग 1 रुपया अगर हम लोग बचाते हैं अपने फंड से, तो देखिए ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है हमारे लिए और हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग पर आवर अगर 1 रुपया बचाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पर डे हमारा 24 रुपीज़ बचेगा। आप ये बात समझ गए। देखिए अगर हम लोग पर आवर अगर 1 आवर में 1 घंटे में अगर हम लोग 1 रुपया बचाते हैं, अगर देखिए मैं एक जनरल आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे कीजिए। अगर मान लीजिए आप पर डे भी अगर 24 रुपीज़ आप बचाते हैं पर आवर, अगर 1 रुपये अपने जेब से अगर लेके और डालते हैं कहीं पे, उसको सुरक्षित करके रखते हैं और सेव करके रखते हैं, तो देखिए पर डे आपका 24 रुपीज़ होगा। और देखिए पर मंथ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए यहाँ पे ऐसे कीजिए इक्वल टू और 24 इंटू हम लोग क्या करेंगे इसको, अगर मान लीजिए पर मंथ तो एक दिन का हमारा 24 रुपीज़ हम लोग बचा रहे हैं तो पर मंथ हम लोग कितना बचाएंगे, 24 इंटू 30, तो देखिए इतना हम लोग पर मंथ बचा रहे हैं 720 रुपीज़। तो देखिए अगर हम लोग 720 रुपीज़ पर मंथ बचा रहे हैं तो हम लोग का पर ईयर का हम लोग का जो सेविंग होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इक्वल टू 720 इंटू हम लोग क्या करेंगे कि पर ईयर, तो एक ईयर में हमारा 12 मंथ होता है तो हम लोग 720 को 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा आता है 8,640 रुपीज़। तो अगर हम लोग इतना हम लोग पर ईयर बचाते हैं और हम लोग 10 ईयर तक बचाते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इतना अगर आपने 10 ईयर तक बचाया तो देखिए आपका कितना सेविंग्स होता है। तो 8,086,000 आपका 86,400 आपका 10 ईयर्स का सेविंग्स होता है अगर आप इसको बैंक में रखते हैं विदाउट इंटरेस्ट के। मैं 0% इंटरेस्ट यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ और 0% अगर हम लोग इंटरेस्ट कंसीडर करें तो हम लोग का 10 ईयर्स में 86,400 रुपीज़ होता है। और अगर हम लोग इसी को हम लोग 30 ईयर्स में करें तो मैं पर ईयर इंटू 30 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये हमारा आएगा 2,59,200 रुपीज़ हम लोग 30 ईयर्स में बचाएंगे। तो अगर देखिए हम लोग इसको बैंक में रखते हैं, मतलब बैंक में तो जनरली हम लोग 3% अर्निंग करते हैं, 3% का जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है वो हम लोग को रिसीव होता है, लेकिन यहाँ पे मैं 0% इंटरेस्ट को लेके चल रहा हूँ। और अगर देखिए हम लोग स्टॉक मार्केट में अगर इसी पैसे को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए हमारे जो हमारा हमने 1 आवर में 1 रुपीज़ हमने इकट्ठा किया था और इसको हम लोगों ने सेव किया था, देखिए ये बहुत ही छोटा अमाउंट है और आपके लिए पॉसिबल है और आपको ये 1 करोड़पति बनने में ये आपकी मदद करेगा। बहुत ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है और आप इसको देखते रहिए। और इसमें मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाली है और हम लोग इससे सीखेंगे कि हम लोग कैसे स्टॉक मार्केट में करोड़पति बन सकते हैं छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करके। तो देखिए अगर हमने पर डे इन्वेस्ट किया तो हमारा कितना हो रहा था, 24 रुपीज़ हमारा हो रहा था पर डे। अगर हमने 24 रुपीज़ को हमने 1 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया तो 24 इंटू हमारा हो रहा था 30 डेज़। अगर मैं 1 मंथ में 30 डेज़ को लेके चलता हूँ तो वो हमारा हो रहा है 24 इंटू 30, तो 720 रुपीज़ मैं पर मंथ का सेविंग कर रहा हूँ। और यही 720 रुपीज़ को मैं पर मंथ अगर
इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू का, FV से हम लोग लिखते हैं। तो आप इसके बाद FV टाइप कीजिए इसमें एक्सेल में, और आप टैब पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे ऐसे आ जाता है। अगर मैंने टैब पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेट लिखा हुआ है। तो आप किस रेट से इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो देखिए यूजुअली स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम लोग को 12 to 18% हम लोग को रिटर्न मिलता है पर ईयर का। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग को 12 to 18% पर एनम का हम लोग को रिटर्न मिलता है। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा खासा ग्रो कर रहा है तो हम लोग 12 to 18% का रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये रेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं पर मंथ का रेट लेके चलता हूँ। तो अगर हम लोग 18% का रिटर्न देखें पर ईयर का, तो उसमें मेरा आता है 1.5% पर मंथ का हम लोग का परसेंटेज रिटर्न आता है। तो इसको मैंने कोमा लगा दिया, और ये हमारा फॉर्मूला ही ऐसा है जो हम लोग को पूरा ही फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। और ये एन पर जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मंथ कैलकुलेट करता है कि हमारा कितने मंथ तक हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए मैं अगर 30 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट करूँ तो 30 ईयर्स में हमारे 360 हमारे 360 मंथ होते हैं। अगर हम लोग 30 इयर्स का देखें तो 1 ईयर में हमारा 12 मंथ होता है, और अगर हम लोग 30 इयर्स का देखें तो 30 into 12, तो देखिए मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ 30 into 12, तो यहाँ पे हमारा 360 आ जाएगा, 12 into 30 हमारा आएगा 360। तो मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया, और पर मंथ हम लोग कितना हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पर मंथ हम लोग 720 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये मेरा हो गया पूरा ही ये फॉर्मूला हो गया फ्यूचर वैल्यू का। तो मैं यहाँ पे पोस्ट को बंद कर दूँगा और इसको मैं एंटर कर दूँगा यहाँ से। तो देखिए ये आपका होगा इतना रुपीज़, तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है। अगर हमने इसको एंटर मारा यहाँ पे, तो देखिए ये डॉलर में है और 10 मिलियन, और देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरा आता है 1 करोड़ 1 लाख 61,781 रुपीज़ मेरा आता है। ये 30 इयर्स में हम लोग को रिटर्न मिलता है ये टोटल। तो देखिए मैं यहाँ पे करके और यहाँ पे मैं नंबर्स पे ये लिख देता हूँ, तो ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको पॉजिटिव में दिया है। तो F10 को मैं यहाँ पे नेगेटिव कर देता हूँ क्योंकि मैं 720 दे रहा हूँ स्टॉक मार्केट को, ना कि मैं वहाँ से ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया ये हमारा स्टॉक मार्केट का रिटर्न 30 इयर्स में। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना रिटर्न आया, 1 करोड़ 1 लाख 61,781.48 रुपीज़। तो देखिए ये हमारा रिटर्न हुआ पर 30 इयर्स। हमने अगर इस अमाउंट को अगर हमने 24 रुपीज़ पर डे का इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक मार्केट में, तो अगर हमारा होता है 720 रुपीज़ पर मंथ, और इस अगर इस मंथ पे हम लोगों ने मैंने क्या कैलकुलेट किया कि पर मंथ मेरा रिटर्न मिल रहा है 1.5% का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर मंथ मुझे 1.5% का रिटर्न मिल रहा है, और ये 30 into 12 मीन्स एक ईयर में हमारा 12 मंथ्स होता है, तो 30 इयर्स का मैंने रिटर्न निकाला और 720 मैंने एक मंथ में जमा किया, तो मेरा रिटर्न आ रहा है टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आप 1,61,761 रुपया। तो इतना हम लोग को स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिल सकता है, और ये मिनिमम रिटर्न है। अगर हम लोग सिर्फ 1.5% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा रिटर्न ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो कभी कभी हम लोग को 30% या 35% का रिटर्न दे जाता है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि मैक्सिमम हम लोग का रिटर्न मिल सकता है 40% 50%, लेकिन मिनिमम हम लोग का रिटर्न मिल सकता है वो नेगेटिव में भी हो सकता है। तो इसको एवरेज करके मैंने लिया है, इसको 1.5% के हिसाब से लिया है पर मंथ के हिसाब से, और पर मंथ अगर आपको 1.5% का रिटर्न मिल रहा है मीन्स हमारा जो ईयर का रिटर्न है, अगर हम लोग 18% के ईयर के रिटर्न के हिसाब से देखें
तो हमारा 1.5% हमारा पर मंथ हो रहा है। अगर हम लोग कंपाउंडिंग रेट से देखें तो 18 ईयर से हमारा ये ज़्यादा होगा, जो कि 1.5% हम लोग को रिटर्न पर मंथ मिल रहा है, वो 18% पर ईयर के हिसाब से ये हमारा ज़्यादा होगा। और उस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो आपको ये करोड़पति बनने में 30 ईयर्स में ये हेल्प करेगा आपका ये कैलकुलेशन। तो देखिए, अगर हम लोग इस स्टॉक मार्केट में नए हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कुछ आपका पैसा है जो 24 रुपीज़ आप पर डे जमा कर रहे हैं, पर आवर्स आप अगर 1 रुपया जमा कर रहे हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा स्टॉक मार्केट से, और आप 30 ईयर्स के बाद करोड़पति हो जाएंगे। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, और इन सारे चीज़ों को हम लोग को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। और स्टॉक मार्केट इतनी अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको गैम्बलिंग की तरह अगर ना देखें तो यहाँ से हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट हमारा एक गैम्बलिंग नहीं है, और इसको आप समझने की कोशिश कीजिए और करोड़पति इससे बनिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यहाँ से आप अच्छा खासा रिटर्न लेना चाहते हैं। तो फिर आपको ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। आप छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टमेंट करना, और आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद, आप बहुत ही अच्छे खासे पोजीशन पर पहुंच चुके होंगे। और स्टॉक मार्केट आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है, इक्विटी वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उतने पैसे कमा सके स्टॉक मार्केट में। थैंक यू दोस्तों।